आज़ादी के 7 दशक बाद खवासपुरा के ग्रामीणों व किसानों के सपने को पंख लगे हैं। 75 साल बाद कटानी रास्ते से अतिक्रम हटने के बाद डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य का सोमवार को विभिन्न जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ। बोरना कस्बे के निकटवर्ती खवासपुरा ग्राम पंचायत के जाजू स्मृति भवन के पास सोमवार को खवासपुरा पोंदू सड़क निर्माण कार्य को लेकर शिलान्यास कार्यक्रम के तहत भूमि पूजन हुआ। इससे पूर्व जाजू स्मृति भवन में पार्षद पंचायत समिति प्रधान सोनिया जैन चौधरी, सरपंच मोनिका महेंद्र सतनामी, जोधपुर सरपंच संघ अध्यक्षा प्रमिला चौधरी, वे पार्षद तहसीलदार वीरेंद्र सिंह शेखावत, महेंद्र सतनामी सहित करीब 1 जनप्रतिनिधि का साफा व शॉल पहनाकर नागरिक अभिनंदन किया गया। भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया, जिसमें पेपाट सर पंचायत समिति प्रधान सोनिया चौधरी, सरपंच संघ अध्यक्षा प्रमिला चौधरी व सरपंच मोनिका सतनामी ने सड़क निर्माण कार्य के शुभारंभ पर पंडित की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि का पूजन कर विधिवत रूप से शुरुआत की। खवासपुरा के ग्रामीणों व किसानों ने बताया कि करीब 3 पीढ़ियों से इस सड़क निर्माण कार्य का इंतजार कर रहे थे। आज़ादी के बाद पहली बार इस सड़क का डामरीकरण होने जा रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में पीपाड़ पंचायत समिति प्रधान सोनिया चौधरी, सरपंच संघ अध्यक्षा परिमला चौधरी, पीपाड़ सहर तहसीलदार वीरेंद्र सिंह शेखावत, सरपंच मोनिका महेंद्र सतनामी, मांगीलाल सतनामी, जगदीश सतनामी, गोदड़ राम, पप्पू राम, चौथाराम सतनामी, रखाराम सतनामी, रेवंत राम, भिया राम, सुभाष, मोना राम, प्रकाश, दौलत राम, नरपत सिंह, विष्णा राम, विजयपाल, सुरेंद्र, हनुमान राम देवासी, प्रकाश जाजू, शांतिलाल कोठारी, बाबूलाल सोनी, श्याम सोनी, रमेश सोनी, ओम प्रकाश, कंपत राम जाखड़, सुखाराम वार्डपंच, रामनिवास जाखड़, महादेव जाखड़, रामेश्वर हरीश कुमार देवड़ा, गोविंद देवड़ा, रामलाल देवड़ा, भगवान निम्बावत, मल्लाराम, उग्रराम निम्बावत, श्यामलाल देवड़ा, स्वरूप ओम राम, बलदेव राम, अर्जुन, उमेद राम, राजू राम, डूंग राम, पप्पू राम सहित कई लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। नौजवान साथियां मोठियारा काम आवे काम वे पण एक ही सड़क रो महत्वपूर्ण काम हो जिको कई सालों हर आदमी जिको भी काम पड़ो मत पड़ो पर भावना ही के भाई आ सड़क बन जावे तो आप रे आशीर्वाद हूं बैसणारा नवा दौड़ियों और विशेष रूप हूं जिको भी दूसरा कोशिश करनी जिद्दी कर ली आटू कोई लाश नहीं आता चौमा सारा मोहन जी लकी चलिया इतनी दो लाया है कहीं हालत जी की सब जाने और आज इतनी मेहनत करन मैं दौड़ बदरी जी लेटर लाओ परमिला जी लाओ लोग फिर कटू लाया है बाकी बने जटे कोई आड़ा गोड़ी कोई नहीं करनी काम हकरो करे कर दे बढ़िया कर जाए आज माना मैं को ऑनर हो एक तरह रो कि माना हाथ पीढ़ी ने बडेरा किया पर और माँ भी चल रही है बारिश रहा मौसम में तो पैदल जाना भी बेकार है कोई मानी बहन बेटी आवे तो बहन साझे ट्रैक्टर हाल ले जाओ इन बात आप लोग बता रिया सब कोशिश करी सरपंच साहब हो चाहे प्रधान जी हो विधायक जी हो मुख्यमंत्री जी हो हमारी तो एक ऐसी मतलब कुआ निकल रही है एक सबका भला हो क्योंकि हम इस रास्ते पर चलेंगे तो हम आपको रोजाना याद करेंगे ठीक है और एक हमारे यहाँ से लोकल भाषा में कहते हैं सिंघम साहब तहसीलदार जी का हम तेज दिल से स्वागत करते हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पर सारा और रास्ता साफ कर दिया जिससे स्वीकृति आ गई और अब काम शुरू हो रहा है और ठेकेदार जी को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसको सही ढंग से बना दे कृपया और हम आपको हमेशा याद रखेंगे धन्यवाद पीपाड़ पंचायत समिति रा प्रधान जी सोनिया जी अपने अध्यक्ष साहब सरपंच अध्यक्ष साहब परमिला जी तहसीलदार जी और तमाम अपने
युवा सब पदारी आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आशीर्वाद हूँ मेहरबानी हूँ आज अपना सबको मोटो पंची को मुद्दों वो अपने आज समापन लियो इन विशेष सहयोग छोटा मोटा सहयोग सब सब रहा लेकिन विशेष सहयोग कोई हो तो अपने आदरणीय बद्री जी जाकर साहब रहो जो को खुद हाल जयपुर और मैं रोड बजट पास या बजट महीने जो को लिस्टा निकली भी मैं नाम नहीं हो तो मैं पते एमपी साहब ने गियो और मैंने निवेदन करी मैं क्यों लिस्ट भी निकल गई नाम नहीं आयो तो आप खुद जयपुर पता नहीं रोड नाम दरवायो बीच में बहनों भी है हनुमान सिंह जी खान का साहब भी खूब प्रयास करियो इनमें और अपने सब लास्ट में जो को चीफ साहब ने बात करी प्रधान अपने एमपी साहब ने मदद हूँ तो आर्य साहब निरंजन जी आर्य साहब चीफ माथुर जी ने कही और हाथों हाथ दूसरे दिन ही लिस्ट में नाम मिल गयो अब आर ठेकेदार जी रही काम हलो जना क्यों थोड़ी टाइम लागी रोडा माने जाता है तो मानो विशेष आग्रह हूँ अपनी रोड हर बारिश हूँ पहला इतो टेंडर वित्तीय स्वीकृति के बाद में सब तेज है भी एन भी बहुत बहुत धन्यवाद काम स्टार्ट दियो आप वगैरह आशीर्वाद हूँ आगे भी खासपुरा में खूब काम वेला और परमिला जी रो विशेष सहयोग रहे अपने प्रशासन में कटी अपने खासपुरा पंचायत वाद से कदे भी अपने काम बोलावा है तत्पर रहे और भी सब लोग विशेष सहयोग तहसीलदार जी आपने ध्यान है कोई परिचय मोहताज है को नहीं आप जटे भी खासपुरा पंचायत में कोई अड़ी दुविधा आवे जटे कटी समझौनी बात हुए या कटी ग्राम रुकआउट हुए तो आप तत्पर रहे और एनो जरूरी भी है थोड़ो व्यवहार दे देनो नित्र काम रुक जाया करे तो इन हिसाब हूँ आप लोग सब पधारिया आप आग्रह इन वास्ते है कि आपने इन वास्ते बुलाया भी रोड में जितने भी आपको सहयोग लगे आपने सब करना है कोई रुकआउट आवे तो समझाइश करनी है वैसे तहसीलदार जी अपने आज जो पहला छह महीना पहला इन्हें बिल्कुल क्लियर कर दी तो एड़ो कोई है कोई विशेष तो सब गोपालगढ़ विधान मानिका सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र जी एम ठेकेदार साहब समस्त विराजमान बूढ़ा बुजुर्ग हमारा पिता तुल्य बुजुर्गों और भाइयों बहुत ही जरूरी बात है कि वास्तव में इनने अटा आज मन जाहिर हो आप लोगों में आज इन सड़क वास्ते कितनी खुशी जाहिर हो रही है कई दिनों आदमी तड़पीड़ो हुए और बिना हॉस्पिटल को छुट्टी मिले कि भाई अब ठीक हो गया उतनी रुती आप लोगों ने आज खुशी हो रही है कि वास्तव में आप एक सड़क पानी जाने कितने वास्ते काम आई और कितनी और कितना टाइम आपने लंबे समय में इंतजार हो तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो मैं विशेष तौर पर सरपंच साहब ने बहुत धन्यवाद देऊँ कि भाई आप रहे अथक प्रयास हूँ कागज ले दौड़ना हमेशा ग्राम पंचायत में होया करें ऊपर पास कराना काम ऊपर ले नेताओं होया करें पर अटू काम कागज तैयार करना और दौड़ भाग हमेशा ग्राम स्तर में होया करें तो मैं भाई महेंद्र जी ने बहुत धन्यवाद देऊँ कि आप बहुत अथक प्रयास करियो इन सड़क के वास्ते कि भाई आप इन मंजिल तक आप पहुँच गया मैंने दोबारा साहब ने एम पी साहब ने मैं धन्यवाद दूँ कि आप बिल्कुल महेंद्र जी सही बात बताई सब हमारी गलतफहमी है कि भोपालगढ़ विधानसभा में बिनो लेटर गया उन्होंने लेटर गयो मैं कोई रिश्तेदारी या पक्षपात रे हिसाब में नहीं कह रही हूँ फिलहाल जो भी भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में काम हो रहा है एम पी साहब की लेटर पैटर बिना नहीं हो रहा है आ एक सत्यता है काम स्वीकृत होने के बाद में तो कहीं आप व्हाट्सएप भी आए फोन दिया है कोई किन्हें भी आप कर सको या कर सको पर जगह आदमी ने कदे भी नहीं भूलना चाहिए और परिगुण करे बिना आदमी ने कदे भी नहीं भूलना चाहिए कि वास्तव में किन कर रहे हो इनका प्रयास है उन्होंने आके सपोर्ट किया जगह जगह अपन ने हेल्प की थी जगह भी हमारों बात करी तो मैं भी अब तक प्रयास करी रही बात बाकी अगर इन जगह बार आप फरमाओ कि भाई आप उठो आन सेवा कर रहे हो मैं आप लोगों ने धन्यवाद देऊँ कि आप लोग इन एरिया वाला सब आई मैंने इन लायक समझी और इतनी जवाबदारी सौंपी ये तय दे लूँ और धन्यवाद रहा पात्र आप लोगों को परमिला नहीं है कि भाई मैंने तो मेहनत भी करते पर सौर के पात्र आप की जमीन को लेके रास्ते को लेके बहुत छोटा रास्ता है बहुत छोटा रास्ता है किसी भी कंडीशन पे कोई रोक कर ही नहीं सकता कोई घोड़े लाई करे तो मैं देख ला कहीं उनमें लोग मैं जानू बहुत मैडम 125 फीट 150 फीट 80 फीट 90 फीट छोड़ा ही है ऐसा इशू नहीं आएगा और बाकी आओ तो थे मेरा ठीक था राम राम साहब राम राम साहब अरे विराजित माता जी तहसीलदार साहब स्थानीय सरपंच मोनिका जी महेंद्र जी ठेकेदार साहब बड़ा बुजुर्ग सभी भाइयों सभा ने हृदय हूँ बड़ा बुजुर्ग ने प्रणाम और भाइयों ने नमस्कार आपरी आ खुशी देखन
मने भी विश्वास नहीं हो रही हो कि एक सड़क बनने में इतनी खुशी की कर हो सके। इनो कारण तो एक ही है कि आप बहुत लंबे टाइम इन वास्ते संघर्ष कर रहे हो, आप इन वास्ते दौड़ रहे हो और इनो महत्व बहुत ज़्यादा है। वैसे तो आप सब मारू बड़ा हो और आप सब ठेकेदार साहब ने बुलावन दे दी हो तो मने नहीं लगे कि वो कोई कमी छोड़ेला इन चीज़ में। पर मन सब ज़्यादा हंसी इन बात में आई कि आपने अजय विश्वास नहीं हो रही कागज में विश्वास नहीं है। चलो देखो भी अच्छी बात है, आप लोग इतनी मात्रा में आया आपने सब हमारे हृदय आभार। आप हमारे दादाजी ने एक तो सम्मान दियो और आप बहन आप लोगों के छोड़ बहन आगे बढ़ूंगा, आप लोगों को मान लोगा आगे बढ़ूंगा, आप लारे मालूम हाँ और आप पाछो बुलाएं ये तो सामान दियो, आप बहुत बड़ी बात है। मैं इतना टाइम में मैंने तो कम टाइम हुआ है पर मैं कहीं नहीं देखी कि काम हो यार बाद में पाछो याद करें। बहुत कम लोग जिकर महीने गुण होया करे या जिका बड़ी सोच रखे करे भाई लोग इच पाछो बिन आदमी ने बुलाएं याद करे कि आप मारो काम करायो, आप मारे वास्ते संघर्ष करियो तो आप धन्यवाद रे पात्र हो। मैं महेंद्र जी ने इन वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि आप वो संघर्ष करियो और आप इनमें अपनी इन रोड ने ऐड करवा दी, क्योंकि बहुत आसान काम नहीं है। एक बार चीज निकले और बाद में पाछो लारू अपनी चूक जावे और बिना जाइन ऐड करवा देना और बहुत बिल्कुल आसान काम नहीं। एक दिन जयपुर जाइन चक्कर काटन देखो अटलो काम भी नहीं है। आप 10 बार एक काम में लारू फिरो तो भी काम होना जरूरी नहीं है कि काम हुए कि नहीं हुए। तो आप बहुत अपन सौभाग्य की बात है, खासपुरा वासी वास्ते सौभाग्य की बात है कि आप जी की चीज चाहता अब आपने मिली। अब ठेकेदार साहब ने एकदम रोशन कर दी, तहसीलदार साहब कह रहे हैं कोई रुकावट नहीं आवेला और मने आपकी भावना देखने और लागे भी नहीं कि कोई रोडो डालन वालों है भी आटे इतनी। अगर आप तमन्ना कर इच्छा करना रोड आप मांगन लेन आया तो आप रोडो क्यों डाला। मैं आप सबने हृदय धन्यवाद दूँ कि आप मैंने आटे बुलाई और मारो इसको सम्मान करियो। धन्यवाद बटे होरी पधारी आप सभा ने मैं पूरा संघ की तरफ गाँव की तरफ निमंत्रण दूँ कि आप जो सब चातुर्मास में पधार जो गुरु महाराज दर्शन कर दो। मेरे साथियों आपने बहुत बहुत धन्यवाद, हम मैंने मान सम्मान दियो कि ठेकेदारों ने तो मान सम्मान नहीं कम दिया करे कि ठेकेदारों काम रोड बनाओ है आन बनाई दे आ इतना था कोट करियो मारो सब इतो हृदय हूँ और इतो थाने रोड रहा बहुत बढ़िया रोड बनाओला आप रहा करी और ऐ अपने प्रधान साहब ऐ प्रमिला जी ऐ सरपंच साहब ने हाथ आन अपने उद्घाटन करो जाकर साहब ने बुला बिल्कुल अपने मेन रोड ने देख आयो खाली बार अपने रोड मेन कारण वैसा ठेको तो कराई दे एमपी साहब कराई दे अमर में गोदावास काम करियो जो अपने जाटों में हेमो हल्ला तो काम जाट बे कहीं के 1 फुट 2 फुट वास्ते बे रोड ने ने तो ना कटवा 1 फुट ने गाल दे 1 फुट ने गाल पर रोड 300 मीटर बचड़ी पड़ी थे डॉक्टर साहब की ऑपरेशन हो गया 4 बार 5 बार की तो इनकी ऑपरेटिव फाइनल कराई दे तो बे दुख तो बे दुख थी यानी एक ढकला भुख थी। आज अपन रोड अपने आटो फास्ट पर गुड़ावट जा रही है तो गुड़ावट वाला याद करी बुरस तो बड़ी गुड़ावट जाओ ठीक है तो एक वास्ते गुड़ावट भाई ढोने वास्ते सफर वास्ते तो बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब ने एमपी साहब ने प्रधान साहब ने